कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को छदम राष्ट्रवाद करार दिया है। आज जलियांवाला हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ थी और इस अवसर पर राहुल गांधी जलियांवाला बाग पहुंचकर उन्होंने वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि पीएम मोदी के लिए इसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान के उस बयान पर भी चुटकी ली और कहा कि इमरान खान ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए फेवरेबल बताया, उनकी जीत भाजपा की जीत को, उससे ये पता लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता साठगांठ ज़रूर है। प्रमोद तिवारी ने इसके अलावा और भी कई मुद्दे उठाए जिसमें कि उनका ये कहना था कि ये रामनवमी भारतीय जनता पार्टी सरकार की आखिरी रामनवमी साबित हो सकती है। उन्होंने पीएम पर एक बार फिर यही आरोप लगाया कि 5 साल गुजर गए लेकिन एक बार भी जिस राम नाम का सहारा लेके वो सत्ता में आए उन्हीं के दर्शन के लिए कभी भी वो उनको समय नहीं मिला कि वो अयोध्या जाके दर्शन करते। इसके अलावा उन्होंने स्मृति ईरानी की डिग्री पर भी सवाल उठाया और कहा कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ये जो है गलत है और कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई मुद्दे उठाए और कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार फेल रही है और ये सरकार जाने वाली है, ये उसका आखिरी रामनवमी हो सकता है। कैमरामैन शकील के साथ जुहैर तुराबी, सत्योदय। आज देश के लिए बहुत पीड़ादायक जिंदगी है। आज 300 साल पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के काले कानून का विरोध करते हुए शांतिपूर्वक विरोध करते हुए जलियांवाले बाग में पंजाब में देश का ही नहीं दुनिया का मूल्य का जगह ही गोलीकांड हुआ जिसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की गोलियां मारी गई थी। गुआ मर गया था, ऐसे नहीं बस जब 100वीं साल शताब्दी वर्ष देश मना रहा हूं उस समय प्रधानमंत्री जी का जाने वाला बाग मिल जाता है इनके छात्र राष्ट्रवाद का चेहरे पे जो मोड़ता है वो बदल इस संगठन से जो भी 50 साल की जोड़े नाम लेने की जरूरत नहीं और एक तरफ लोग थे जो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहे थे और कहीं ना कहीं से अंग्रेजों के विचार के साथ विचारधारा के साथ उनकी सत्ता के साथ जिसका प्रतिनिधित्व आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी करते हैं। एक इस घटना ने ये साफ कर दिया कि 100 साल के पूरे होने से जलियांवाला बाग के वो लोग वहां पहुंचे जो देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, मैं आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं, देश के प्रधानमंत्री 5 मिनट समय नहीं निकाल सकते उन हजारों शहीदों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो मालूम ही नहीं होगा जलियांवाला बाग क्या है, वहां ऐसा क्यों हुआ था,
देश की आजादी की लड़ाई है, कि छात्र आसपास की थोड़ी बहुत जो प्रेरित की है वो मोदी जी ने ली और दूसरे तो किए जी ने। तो मैं इस बात के लिए साफ करना चाहता हूं कि जिसके डीएनए में स्वतंत्रता संग्राम के अंश से हो गया और जिसके डीएनए में स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा का विरोध था वो तमिलनाडु कर्नाटक कई हजार किलोमीटर दूर वहां से चुनाव प्रचार में रहता।